यू आर मोहन मोहिनी रीड जे क्लास 12th आर्ट्स। आपका नाम मोहन या मोहिनी है और आप हैं और रीड है और आप पढ़ते हो। यहाँ पर रीड आएगा, रीड है क्लास 12th आर्ट्स में पढ़ते हो। प्रिपेयर ए स्पीच ऑन COVID-19। आपको COVID-19 पर एक स्पीच है वो तैयार करनी है। जब स्पीच हम बोलते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं, तो इसमें शीर्षक क्या आ जाएगा? COVID-19। आप कैपिटल लेटर्स में लिखो इस तरीके से। इसके बाद में आप है जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है, ऑनरेबल पर्सन है, उनको एड्रेस करो, संबोधित करो। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आदरणीय प्रिंसिपल, अध्यापकगण, पेरेंट्स, अभिभावक और माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। टुडे आज आई मैं और मोहन क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स से हूँ। स्टैंड है बिफोर यू, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। एंड वॉन्ट टू डिलीवर, और देना चाहता हूँ स्पीच ऑन ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भाषण देना चाहता हूँ। और आपको ध्यान रखना है वो विषय क्या है, COVID-19। जो शीर्षक आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखना है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भाषण देना चाहता हूँ, वो क्या है, COVID-19। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक ड्यूरिंग माई स्पीच, अपने भाषण के दौरान यदि कोई मुझसे गलती हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया आप मुझे क्षमा करें। देखो कोई भी स्पीच है उसमें जो ये लाइन है वो बिल्कुल ही फिक्स है, केवल जो शीर्षक है वो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद है हम हैं जो बॉडी ऑफ द स्पीच, स्पीच की विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। द COVID-19 पैंडेमिक, COVID-19 कोरोना वायरस जो कि एक विश्व महामारी है, महामारी ने हैज लेफ्ट नो कंट्री अनटच्ड, और किसी भी देश को अपने स्पर्श से, अपने प्रभाव से नहीं छोड़ा है। द COVID-19 पैंडेमिक हैज लेफ्ट नो कंट्री अनटच्ड, अभी तक अंजुआ नहीं छोड़ा है, अर्थात है अपने इस इफेक्ट से, अपने और इस बीमारी से अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको छोड़ दिया हो। इट हैज़ हम्बल्ड ऑल ऑफ अस, हम्बल का मतलब चैलेंज, और यह बीमारी हम सभी के लिए एक चुनौती और बन चुकी है। इट इज ऑफन सैड, यह अक्सर कहा जाता है, डिजीज नोज नो बॉर्डर, जो बीमारी होती है कोई बॉर्डर नहीं जानती है। इट डज नॉट केयर अबाउट आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, राजनीतिक जो भिन्नता है उसकी भी है परवाह नहीं करती है। इट डिसरिगार्ड्स द डिस्टिंक्शंस, और यह जो अंतर हैं उनकी भी उपेक्षा करती है, कि यह गरीब को नहीं जानती है, अमीर को नहीं जानती है। वी ड्रॉ बिटवीन हेल्थ एंड इकोनमी, लाइफ एंड लाइवलीहुड, जैसा कि हम स्वास्थ्य है और इकोनमी है, अर्थव्यवस्था है, जीवन है, आजीविका है, इन सभी और इन सभी के बीच हम आकर्षित होते हैं, इसके बीच में हम, इनके बीच में हम बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो बीमारी है COVID-19 है,
इस अंतर की उपेक्षा करती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अच्छा स्वार्थ स्वास्थ्य हो खराब स्वास्थ्य हो, वो सभी को प्रभावित करती है। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स ऑफ द कोविड-19, कोविड-19 के और सबसे जो मोस्ट है, सर्वाधिक है, और जो कि लक्षण है वो है सबसे अधिक है, इन जिन लक्षणों से इस कोविड-19 की बीमारी की पहचान की जा सकती है वो है फीवर, कि इसमें जो रोगी होता है इसका अफेक्टेड है, और जो कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको बुखार आता है, ड्राई कफ है, उसको खांसी होती है सूखी खांसी, टायर्डनेस, और वो थकान महसूस करता है। देखो ये तो कॉमन सिम्पटम्स हैं कि उसको फीवर आता है, बुखार रहता है, सूखी खांसी रहती है, थकान रहती है, और लेस कॉमन सिम्पटम्स ऐसे लक्षण जिनकी पहचान बहुत कम है, जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को एचीज एंड पेंच कि उसको दर्द होता है सब बदन में शरीर में, और दर्द होता है, सोअर थ्रोट गले में खराश रहती है, डायरिया दस्त हो जाते हैं, और हम देखते हैं कंजंक्टिविटीज ऐसे व्यक्ति की आंखें आती हैं, आंखों में दर्द वगैरह रहते हैं, जलन रहता है, कंजंक्टिविटीज का मतलब है आंखों में जलन वगैरह रहती है, कंजंक्टिविटीज का मतलब है आंखों में दर्द वगैरह रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या रहता है, हेड एचिज रहता है, सिर में दर्द रहता है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, कोई भी भोजन वगैरह कुछ भी चीज़ आप खाते हो वो अच्छा नहीं लगता है, एंड रैश और स्किन, स्किन है उस पर क्या जाता है थोड़ा रैश, मतलब शुष्क हो जाती है उसकी स्किन, और डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टूज कि उंगलियां हैं अंगूठे हैं इनका जो कलर है, डिसकलरेशन का मतलब है मलिन हो जाता है, मलिनीकरण हो जाता है, अर्थात है फीका पड़ जाता है कलर। देयर आर सम गाइडलाइंस, ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं दैट वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए जिनको, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उससे अपने आप को बचाने के लिए, और जिनको कि जिन गाइडलाइंस को हमें और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, कि जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कवर योर नोज और माउथ, तो ऐसे समय में हैं अपनी नाक है मुंह है विद टिश्यू, किसी पेपर वगैरह से किसी कपड़े से आपको क्या करना चाहिए, फ्लैक्स एल्बो से हमको क्या कर ढक देना चाहिए कि हम जब छींकते हैं खांसते हैं तो किसी अपने मुंह है नाक है उसको टिश्यू से है या फ्लैक्स से कोई एक तरीके से सॉफ्ट कपड़ा वगैरह उसे ढकना चाहिए। थ्रो द टिश्यू इनटू ए क्लोज बिन, और खांसने छींकने के बाद है इमीडिएटली आफ्टर यूज कि इसको यूज लेने के बाद है किसी बिन है डस्टबिन वगैरह है उसमें डाल देना चाहिए। अवॉइड टचिंग आइज नोज एंड माउथ, कि हमें आँख है नाक है मुंह है उसको इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए कि जब हम छींकते हैं खांसते हैं और जब कभी अपनी आँखों में जलन होती है। क्लीन योर हैंड्स विद एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स विद सोप एंड हॉट वाटर फॉर एटलीस्ट 20 seconds, कि हमको और अपने हाथों को एल्कोहल बेस्ड है और हैंड रब किसी भी सोप है हॉट वाटर वगैरह है इन सभी से कम 20 सेकेंड है और साफ करना चाहिए। इसके बाद अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेज, हमको भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्थानों को, नज़रअंदाज करना चाहिए। और अंत में देखो कंक्लूजन ये निकलता है इसका कि
एवरीवन इज फाइटिंग हार्ड अगेंस्ट द वायरस, प्रत्येक व्यक्ति है इस वायरस से कठोर संघर्ष कर रहा है। बट वी हैव नॉट गॉट मच सक्सेस येट, परंतु इस वायरस से हमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वैक्सीन है, उस पर ट्रायल चल रहा है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन है मंगलमय हो।